मैं अपने चैनल पर फोटोशॉप से रिलेटेड पहली वीडियो डालने जा रहा हूँ। मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप किसी फ़ोटो को शार्प और अच्छी फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। अगर आपकी स्टूडियो फोटोग्राफी है तो उसके अंदर आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको आपकी फ़ोटो की क्लैरिटी को बढ़ाएगा और अच्छी फिनिशिंग देगा। आप देखो, मैं अभी स्क्रीन पे ये फ़ोटो जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक फ़ोटो शूट किया हुआ है किसी लड़की का, और ये देखो आपको क्या लगता है। वैसे फ़ोटो हो सकता है फ़ोटो दिखने में अच्छी है, बट फोटोग्राफी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फ़ोटो के अंदर फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे फ़ोटो और अच्छी बनती है। अब देखो स्किन, देखो आप ये स्किन डिटेल्स और सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम लोगों को ईजी तरीके से एक फ़ोटो बनानी है, थोड़ा सा टाइम कम लगे, वैसे तो जितना हम टाइम किसी भी फ़ोटो पे लगाते हैं वो उतनी ही अच्छी बनती है, लेकिन फिर भी हमारे पास जैसे कि टाइम शॉर्ट है, हमें काम ज़्यादा करना होता है, हमारे पास एक टाइम में बहुत सारी पिक्चर्स हो जाती हैं, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर हम किस तरह से कुछ टूल्स का यूज़ करके फ़ोटो को अच्छी फिनिशिंग के साथ जल्दी भी बना सकते हैं और बढ़िया ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेयर बॉक्स अलग से खोल लेता हूँ। ये मैंने खोला लेयर बॉक्स। लेयर बॉक्स के बाद आप देखिए, मैंने इसकी दूसरी लेयर बना दी, डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद मैंने क्या किया, इस पिक्चर पे से कुछ स्पॉट जो पिंपल्स वगैरह हैं ये सब कुछ रिमूव किए हैं। ये मैंने किए हैं हीलिंग टूल से। सबसे पहले हम फोटो में यही काम करते हैं, जो उसके सबसे डार्क स्पॉट होते हैं जो फोटो के ऊपर, उनको हम रिमूव करते हैं ताकि फोटो अच्छी लगे। ऑलमोस्ट मैंने इसके पिंपल्स वगैरह मैंने रिमूव कर दिए हैं, और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी मैंने लेयर दोबारा से जोड़ दी। अब मैंने फिर लेयर, एक डुप्लीकेट लेयर बनाई। ये बात आपकी देखने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है के अंदर ज़रूरत होती है एक अच्छी शार्पनेस की, और देखो वो मैं आपको किस तरीके से आपको जो बात बता रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान रखना। आपको दिख रहा है इसके ऊपर, फ़ोटो के ऊपर देखो कुछ हाईलाइट हो रहा है इसका कुछ पोर्शन, तो ये मैंने इसमें फ़िल्टर में जाके हाई पास के नाम से एक फ़िल्टर डाला है। अब देखना, बस मुझे 2.3 मैंने एक फ़ोटो के लिए मुझे लग रहा है सफिशियंट है, तो मैंने इसको डाल दिया है इसके ऊपर। अब ये एक नई लेयर बन गई है। इस लेयर पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरी स्क्रीन ऐसे ग्रे ग्रे कलर की दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमें हमारी फ़ोटो के अंदर कुछ शार्पनेस आ गई है, वो कैसे दिखेगी, आप इसमें जाइए ऊपर बॉक्स में और जाके आपको दबाना है हार्ड लाइट। अब देखो आपकी फ़ोटोग्राफ्स के अंदर कितनी शार्पनेस आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब आपको इस लेयर को ऐसे ही छोड़ देना, नीचे वाली लेयर को दोबारा से बना दो, डुप्लीकेट लेयर बना दिया। अब इसी पे हमने न्यू ब्रश बना दिया है। अब मैंने बी टूल लिया है, बी टूल से मैंने 20 ओपेसिटी करके और इस फोटो के ऊपर फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर हम इस फोटो को जल्दी बनाते, टाइम लगा के बनाते हैं, तो हमें ये काम जो मैं अभी कर रहा हूँ ब्रश, ये थोड़ा सा आराम से और छोटा करके फिनिशिंग करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक फ़ोटो को बहुत आराम आराम से करें, तो फिर ये इसीलिए मैंने ये सब कुछ बताया है आपको कि इस फोटो को हम लोग कम टाइम में कैसे। स्टैम्प टूल से हम लोग इसको रिटच कर सकते हैं और बहुत अच्छी रिटचिंग होती है, तो लगभग उसी के कंपैरिजन में अगर हम जिस तरीके से मैं आपको अभी ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप फ़ोटो को ब्रश टूल से फिनिशिंग करो। ये मैंने ब्रश टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमें लगता है कि कहीं हमारा डार्क स्पॉट फिर भी रह गया है, हमें क्या करना है, उसके लिए नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से हमने रिमूव कर देना है डार्क स्पॉट, ठीक है। फिर से हमने अपनी
न्यू लेयर जो हमने बनाई थी बुरुश टूल के लिए उसके ऊपर ही काम करना है। हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमें इससे भी जल्दी वर्क करना है फोटो के ऊपर, तो हम इसकी ओपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे 20 के ब्रश के ऊपर काम कर रहा हूँ, 20 की ओपेसिटी के साथ। आप इसको 25 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो टाइम भी देना चाहिए, हमें उस फोटो की कमियों का पता चलता है, जिससे हम उस पर उन सब कमियों को दूर कर सकें। अब मैं कहीं पे ब्रश को बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, वही मैंने आपको बताया ना, टाइम के लिए, वरना तो इस काम को छोटे ब्रश के साथ अच्छे से भी किया जा सकता है, इस फोटो पे कितना भी टाइम लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि जिस तरीके से मैं आप ये फिनिशिंग कर रहा हूँ वो बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। एक फ़ोटो पे हमें जितना टाइम लगना चाहिए लगभग उससे 3 गुना टाइम कम लगेगा आपका। और मैं इसमें आपको फिनिशिंग ही नहीं, आपको ये दिखा रहा हूँ कि कम से कम एक फ़ोटो के अंदर फिनिशिंग होनी कैसी चाहिए। अब मुझे लग रहा है यहाँ एक डार्क स्पॉट आ गया है यहाँ पे, इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो जहाँ से वो आया है उस लेयर पे से उसको रिमूव करके उस पर दोबारा से वर्क करूँगा डार्क स्पॉट को ख़त्म करने के लिए। अब ये नोज पे रह गया है, नोज से फिर मैंने थोड़ा सा रिमूव किया और नोज के ऊपर फिर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मेरी शाइनिंग थी वो ख़त्म हो रही है, तो उसके ऊपर से फिर मैंने इरेज करके दोबारा से उसके ऊपर वर्क किया। अब देखो ये फ़ोटो हमारी फिनिशिंग हो गई है, हमने इसको इतना फिनिशिंग किया है। अभी भी अगर हमें लगता है तो हम यहाँ पे दोबारा से अपनी पहले वाली लेयर पे गए, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कलर रेंज से जाके स्किन को, और यहाँ पे 5 का फैदर दिया, और यहाँ पे इमेज पोर्ट्रेचर में मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं बढ़ाऊँगा। मैंने क्या किया, नीचे सॉफ्टनेस को 8 का रखा है और मैंने ओके कर दिया इसको। यहाँ पे ये मेरी फ़ोटो तैयार हो गई है। अब आप देखो जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम एक शार्पनेस दे रहे हैं इसमें, उस शार्पनेस का फ़र्क देखो आप, देखो क्या लग रहा है आपको, ये देखो आप। अगर मैं ये सबसे पहले ना करता तो आपकी फ़ोटो इतनी शार्प ना बनती। इसको अगर आप बाद में शार्पनेस दोगे तो ये चीज़ नहीं आएगी इसमें। और इस तरीके से मैंने इस फ़ोटो को बना दिया है। अभी इसके हैंड्स और रह गए हैं, अब मैंने इन सब लेयर्स को जोड़ दिया है और मैंने पूरी फ़ोटो को कलर दे दिया, कलर बैलेंस से कुछ थोड़ा सा इसमें रेड बढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसमें येलो बढ़ा दिया। अब ये मेरी फ़ोटो बनके हो गई है तैयार। अब आप देखिए ये फ़ोटो, इसको अगर हम ओरिजिनल से कंपैरिजन करते हैं, ये ओरिजिनल फ़ोटो है और ये फ़ोटो वो है जो हमने बनाई है। आप दोनों की शार्पनेस को चेक कीजिए, देखो मुझे लगता है कि आपको यह तरीका बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इससे फ़ोटो आपकी जल्दी और पूरी शार्पनेस के साथ, अच्छी फिनिशिंग के साथ ये फ़ोटो आपकी तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।